15 महीनों से पद यात्रा कर रहे हैं इन चीजों को बदलने के लिए, उसमें एक छोटी सी हिस्सा बनने जा रही हूँ कि मैं भी क्या उनके कदम से कदम मिलाकर क्या समाज को बेहतर दे पाऊँ, एक नई पहल करने जा रही हूँ। होशियारिटी तो आप हम नहीं दे सकते अपने जीवन का, तो कल क्या होगा वो कैसे हम आपको आगे बताएं। लग रहा है कि मैं एक कल्पना कर सकती हूँ कि आगे आने वाला बिहार कुछ सालों में बहुत 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 ज्यादा अलग लेवल पे रहेगा और बहुत बदलता नजर आ रहा है। और दबाए बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के। जन सुराज की मेंबर बनने वाली बन चुकी हूँ, उसकी छोटी सी हिस्सा बनकर आज बिहार की बेटी यहाँ पर आपके सामने मौजूद है, जिसमें जैसा कि हमारे माननीय सर ने कहा कि पिछले 14 या 15 महीनों से कंटिन्यूअस प्रशांत सर कंटिन्यूअस पद यात्रा कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग गांधी जी की विचारधारा को लेकर चल रहे हैं। मेरा मानना है कि बिहार की बेटी, कहा जाता है घर घर को संवारने वाली एक बेटी होती है, घर को संवारने वाली बेटा नहीं बेटी होती है। तो मैं एक बिहार की बेटी होने के नाते मुझे ऐसा लगता है कि मैं आगे कल्पना करती हूँ शिक्षित बिहार देखने का, बिहार के आगे भविष्य को बहुत उज्जवल देखना चाहती हूँ। और बड़ी कम उम्र में मैंने सोचा कि ये एक पार्टी नहीं एक अभियान से जुड़ू, ताकि हमारे समाज के लिए हमारे बिहार के लिए बहुत अच्छा कर सकूँ, हम युवा वर्गों के लिए बहुत अच्छा कर सकूँ, बिहार वालों के लिए बहुत अच्छा कर सकूँ। फिलहाल तो यही सोच के साथ जुड़ी हूँ और आगे देखते हैं, अगर प्रशांत की इच्छा रही तो कुछ भी हो सकता है। ये लगन जी, मैं किसी पार्टी विशेष पर बात नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई अपने अपने फील्ड में प्रमुख है। मैं फिलहाल कुछ नहीं हूँ उनके सामने, मैं एक कलाकार पहले थी और अब यहाँ पर भी आई हूँ। लोग एक समाज को सुधारने के लिए, समाज की कुरीतियों को बदलने के लिए जो भी चीजें चल रही हैं, जो कि हर एक यूथ चाहता है, हर एक युवा चाहता है कि हमारा बिहार बदले, समाज बदले, सोच बदले, शिक्षित बिहार हो, उसमें एक पहल है। और उम्मीद करती हूँ कि मेरे दर्शकों का जो एंटरटेनमेंट फील्ड में मुझे हमेशा से सराहते आए हैं, मैं चाहती हूँ सब बिहार के लोग भी मुझे उसी तरीके से प्रेज करें, अपना आशीर्वाद दें, अपना प्यार दें, ताकि मैं इन चीजों में और अग्रसर होकर क्योंकि जन सुराज कोई पार्टी नहीं है, एक अभियान है सर। बीजेपी में भी है, कुछ अलग पार्टियों में भी है, जहाँ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ सीनियर्स हैं, जिनको मैं कहेंगे कभी भी पार्टी में जा सकती थी, उनसे टिकट मांग सकती थी, लेकिन मेरा उद्देश्य वो है ही नहीं। मेरा उद्देश्य है जिस पर प्रशांत सर बहुत अग्रसर होकर बहुत मेहनत कर रहे हैं, पिछले 15 महीनों से पद यात्रा कर रहे हैं इन चीजों को बदलने के लिए, उसमें एक छोटी सी हिस्सा बनने जा रही हूँ कि मैं भी क्या उनके कदम से कदम मिलाकर क्या समाज को बेहतर दे पाऊँ, या क्या समाज को सुधारने में मेरी क्या मदद हो पाए। मैं ज्यादा से ज्यादा चाहती हूँ जितने भी युवा हैं मेरे साथ अभी तक बोल दिया कि कौन पार्टी से नहीं जुड़ा था, अश्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, आपकी भी नहीं है, हमारी भी नहीं है, कल क्या हो जाए वो पता है आपको। पॉलिटिशियन कैसे आप कह रहे हैं, मैंने आपको कहा कि मैं पार्टी से जुड़ी नहीं हूँ सर, एक कलाकार होने के नाते, बिहार की बेटी होने के नाते एक नई पहल करने जा रही हूँ। अश्योरिटी तो आप हम नहीं दे सकते अपने जीवन का, तो कल क्या होगा वो कैसे हम आपको आगे जी मैं आपको बता रही हूँ सर कि मुझे पार्टी किसी पार्टी से जुड़ना ही नहीं है। मेरे लोग जो है, आप नितिन सर का नाम ले रहे हैं, नितिन सर
बहुत सम्मान बहुत प्यार देते हैं मुझे अक्सर, मुझसे बहुत सीनियर है और मैं भी उनको पिता तुल्य मानती हूँ। तो बहुत सारी पार्टियों में मेरे बहुत सारे लोग हैं जो जानने वाले हैं और लोग एकदम ऐसे आशीर्वाद के तौर पर मेरे साथ खड़े रहते हैं, प्यार देते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी पार्टी से जुड़े हैं। आप भी जुड़ी हैं, आपके पिताजी भी जुड़े हैं, जनसुराज में आपको ऐसा क्या लगा कि आने वाले दिनों में समाज के जनसुराज में पढ़ाई लगी, जनसुराज में विचारधारा लगा, जनसुराज में कमिटमेंट लगा, जनसुराज में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखी जो मुझे बीइंग अ यूथ, एक युवा होने के नाते अपने ओर खींचा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक कल्पना कर सकती हूँ कि आगे आने वाला बिहार कुछ सालों में बहुत 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 ज्यादा अलग लेवल पे रहेगा और बहुत बदलता नजर आ रहा है। उनके लिए कुछ अभिलाषा है ना कि भाई चुनाव लड़ेंगे? उनके लिए अभिलाषा क्या करेंगे, आप लोगों का दर्शकों का प्यार चल रही बिहार की राजनीति को अक्षरा किस रूप क्या हाल के दिनों में जिस तरह से राजनीति चल रही है उसको अक्षरा राजनीति तो कहाँ से टिप्पणी कर अक्षरा जी आप लालू यादव के गोद में खेली है बीजेडी क्यों नहीं क्यों नहीं क्या उनसे बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत अच्छा नाता है मेरा। इधर देख के इधर देख के इधर देख के हिंदी नहीं समझ पा रहे हेलो पहले पहले मेरे शब्दों को समझिए उसके बाद अगर बात करेंगे तो मुझे भी मजा आएगा। और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।